यहाँ चल रही है हमारी सुबह की पूजा। सुबह की पूजा के बिना हमारी दीदी की शुरुआत नहीं होती भाई। Hey guys, good morning, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ इस तरह, क्योंकि स्वाति मैडम हो गए हैं रेडी। मैं तो रोज ही रेडी हो जाता हूँ। और हमारी दीदी ने कर ली है पूजा, और वो देखो सुबह सुबह कपड़े भी उन्होंने कर दिए हैं भाई, मेहनती बहुत है ये। तो घर के ऑलमोस्ट कुछ कुछ काम फिनिश हो चुके हैं, और अब इसके बाद फिर मैं जाऊँगी जिम। मैंने लेनी है आज पीटी, स्वाति पीटी शुरू कर देनी है मैंने, रेगुलर वर्कआउट करना है। और फिर जिम के बाद का जो उसका जुड़ेगा, स्वाति में शायद अभी छुट्टियाँ छुट्टियाँ लेने वाली है, तो फिर हम लोग करेंगे बहुत सारी मस्तियाँ और आप हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश कर। इधर हमारे जनाब अभी उठे नहीं है। नन्ना गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठना नहीं, चाय नहीं पीनी? नींद आ रही है। नींद तो आ रही, उठ जाओ। उठता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी देर में उठो, ठीक है। सो मैं हो गई हूँ जिम के लिए रेडी। मैंने अपना फुल बैग वैग ले लिया, क्योंकि मैंने उसमें लिया प्रोटीन भी और पानी वानी सब कुछ ले लिया। आज करने वाली हूँ मैं फुल वर्कआउट, तो चलो मिलते हैं फिर जिम में जाके। वर्कआउट हो गया डन। सो वर्कआउट डन करके मैं आके बैठ चुकी हूँ गाड़ी में। अभी चलते हैं घर, क्योंकि हालत हो चुकी है बहुत खराब। रास्ते में कुछ अगर जूस वगैरह हुआ तो पीती हूँ, फिर मिलते हैं घर जाके। तो जिम जाते जाते जितनी एनर्जी थी ना आते हुए, इतना बुरा हाल हो चुका है ना, चला तक नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे को चक्कर आ जाएगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर, अपने लिफ्ट में हूँ। तो जाके करती हूँ थोड़ा सा कुछ, खाती हूँ फिर करती हूँ मैं रेस्ट। मिलते हैं रेस्ट के बाद। क्या ऐसे कैसे पड़े हो? तेरा शॉर्ट ले रही हूँ। तो फाइनली लड़की ऑफिस से आ चुकी है घर, और मैं पड़ी हूँ बेड पे। नहीं बेड पे तो पड़े हो, लेकिन ऐसे सूजे सूजे क्यों लग रही हो? वर्कआउट इतना किया ना मैंने आज, 2 घंटे कार्डियो किया। पता देखो फुल 2 घंटे, मतलब हाफ एन आवर तो मैंने 9 की स्पीड में रनिंग की। पता तो शक्ल दिखाओ अपनी, मैं सूजी हुई बॉडी दिखा दूं जरा एक बार। देख लो इनको भाई। मैं सोचू मैं कहीं दीदी को स्वेलिंग क्यों आ रखी है आज। नहीं, जब वर्कआउट मैं जैसे एब्स लगाने स्टार्ट किए है ना, तो 2-3 दिन ये स्वेलिंग हो जाएगी। एक बार ना ब्लॉटिंग हो जाती है, तो ये ब्लॉटिंग हो रखी है अभी मेरी। तो वैसे भी सांस लेते हुए पेन नहीं हो रहा होगा? पेन हंसते हुए भी हो रहा है, पता देखो। और आप मुझे कह रहे हो जिम करना है? जिम करने के नहीं, 2-3 दिन में फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। उठ जाओ फिर, चाय पानी पी लो थोड़ा। तू वो कर ले ना, चेंज वेंज कर ले, फिर अपन चलते हैं मार्केट जाके। ठीक है, मैं एक बार चेंज करके फिर आता हूँ। तब तक पैसे लेके कहाँ जा रही है ये? देख रही थी इसमें पैसे हैं कि नहीं है। हम जा रहे हैं वहां पे, मैं एक सूट लेके आई थी, बढ़िया अच्छा नहीं है शायद, तूने भी देखा ही नहीं। नहीं मैंने नहीं देखा है, दिखाया ही नहीं, क्योंकि ये दिखाने लायक था। ये कौन से कॉर्नर में छुपा के रखा हुआ था? लेके आई थी उस दिन रात को, उस दिन जाना नहीं था वहाँ जलंधर जब गई थी। अच्छा, वापिस कर ले। कलर पसंद नहीं है? सब कुछ अच्छा है, इसमें मोटी लगती हूँ। चलो चलते है। अभी जनता गाड़ी की तरफ जाते हुए, सॉरी फॉर डेंट। क्या हुआ? ये क्या है? सॉरी फॉर डेंट, देखना ये किसने कहाँ डेंट लगा दिया। और नहीं, ये क्या बात होती है कि डेंट लगा के देखना, एक बार चेक तो कर लो।
में है, ये तो मेरे को पता नहीं। डेंट कहाँ लगा दिया? देख लो दीदी, पूरी गाड़ी चेक कर लो। हाँ ये एक मिनट दिखाई, तो क्या हरकत है, देख लो। सॉरी फॉर डेंट। डेंट टूट नहीं होना चाहिए मेरी गाड़ी पे। और नहीं ऐसे पता कैसे चलेगा? और अपना नाम तो लिख दे फिर, जिसने लिखा है सॉरी फॉर डेंट। लिखना होता ना तो मैं ऐसे चिपका के नहीं जाता इसको। इसको इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, ये हरकत देखना है। एक मिनट, ये पीछे क्या है? होगा कुछ। इतने जूम करके क्यों पढ़ रहे हो आप? ये तो रोल नंबर लिखे हुए हैं, कोई जल्दबाजी में लिख के चला गया मुझे लगता है, पीछे ही ठोक के गया। अगर ठोक के गया तो देख लो कहीं। यार डेंट तो है नहीं, और लिखो सॉरी फॉर डेंट। डेंट क्या, किस पे डेंट मारे है भाई, क्या है ये? दीदी गाड़ी का सॉरी फॉर डेंट है ये, क्या कैसे ठोक के चली ना कोई जाएगा? मैं जिम से आके मैंने यही खड़ी की थी। किसी ने प्रैंक किया या फिर कोई मस्ती करके गया या कोई डेयर कंप्लीट करके गया? एक मिनट, ये क्या है टाइटल, और उसके बाद ये राइटिंग तो तेरी है। नहीं मेरी नहीं है सच में, ये तेरा ही, तू तैयारी कर रही है ना जो 5 मैथ्स पता नहीं क्या लिख रखा है तूने। नहीं अच्छा एक बात, मैं सीधा ऑफिस से आई थी ना ऊपर, तू नीचे आई होगी पहले। मैं नीचे आई ही नहीं, मैं पागल हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के सीधा ऊपर आई थी। राइटिंग तो तेरी लग रही है मेरे को स्वाति। और दीदी यार, और ये वाला ये हरकत मेरी नहीं है, ये हरकत, ये राइटिंग तो तेरी है स्वाति, मान चाहे ना मान, ये राइटिंग तेरी है। और ये वकील भी तू ही है, ये देख एक एक टाइम के लिए हार्ट अटैक आ गया था ना मेरे को लगा पता नहीं कहाँ डेंट, सच में गाड़ी का डेंट लगा दिया किसी ने। सॉरी फॉर डेंट और लिख दे पहले। चलो चलते मेरे को पता क्या था, मैं क्या दीदी ना जीजू को फोन करेंगे, हाँ कोई गाड़ी ठोक गया। नहीं पर मेरे को दिख नहीं रही ना ठोकी हुई कहीं से, ये क्या लक्षण होता है, दिमाग क्यों रहे ये मेरे जैसे नमूने होते हैं। अच्छा अब द्राक्ष रख दिया था जिसे, एक बार का पता नहीं किसने कहाँ डेंट लगा दिए। मैं देख रही ये क्या तरीका है, सॉरी तू नीचे आई थी पहले जब ऑफिस से आई है। चलो ये करने के चक्कर में चलो 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 ऐसा झटका मिला एकदम मेरे माइंड में ही हो गया, सच में डेंट लग गया मेरे को ना, गाड़ी पे डेंट मंजूर नहीं, बाकी जान है ना गाड़ी पे खुद के चाहे डेंट वेंट लग जाए चल जाता, पर गाड़ी पे डेंट नहीं होना चाहिए। वो तो मेरे को आपकी शक्ल से लग ही गया था, मैं कहीं रोने ना लग जाए एक बार, तो फिर मेरे को कुछ कुछ डाउट होने लगा था, ऐसे कौन करेगा भाई डाल के और लिख दे कि क्या क्या सॉरी फॉर डेंट। चलो चलो चलना नहीं है ना, ड्रेस ले लूंगी, ड्रेस देख लो, टकली को ना देखो कितनी अच्छी है ये कॉटन में है क्या ये? कॉटन में है, प्यारा लग रहा है, तो बिना अलग ही लुक आ रही है इसकी, गाउन टाइप में है ये। एक तो मैं इसके साथ का लेके गई हूँ पिंक। वैसे दीदी एक बात बताऊँ, ब्लैक और व्हाइट के आगे आपकी गरारी जाती नहीं है। नहीं मैं सोचती तो हूँ मैं कलरफुल ले लूँ, पर ब्लैक और व्हाइट पे ले दे के ब्लैक और व्हाइट पे अटक जाते हो। दिखाना एक बार थोड़ा सा लूज है, टाइट करना पड़ेगा आपको ये ना, पर अच्छा लग रहा है ना, कुछ यूनिक सा लग रहा है। आखिरकार आज व्हाइट और ब्लैक ले ही लिया आपने को, तू भी मना कर रही है व्हाइट ब्लैक ले, पर वो जज भी व्हाइट ब्लैक ही रहा है। आपका पेट कहाँ भैया? मेरा पेट है, मैं भी छुपा के दीदी वहम। हम लोग जो पहले इतने इतने होते हैं ना, उनको जब एकदम से ये साइज होता है ना, तो फील होता है कि इतने छोटे साइज के कपड़े आते थे हमें, मतलब मीडियम से भी मीडियम स्मॉल से आने लगे थे। अभी जिम के बाद अभी विद इन 6 मंथ मैंने 9 kg गेन कर लिया।
तो आप क्या नहीं सकते भैया मैम कह सकते हैं मैं 36 लिस्ट डालता हूं नहीं कह सकते 36 तो नहीं 34 तो रजनीश डालते हैं उनका पेट का तो जीजू का पेट है ना सिर्फ आज हम चप्पलों के लिए 10वीं बार आ रहे हैं इसी मार्केट में कौन इसके आगे का इसके आगे भी तो है दीदी आप जब जाते हैं ना उस तरफ वो कॉर्नर में नहीं लगी होती है जो वो पीछे वाले ब्लॉक में है पीछे वाले ब्लॉक में टूटती नहीं है हमारे घर में एक छोटा सा डॉगी है वो खा जाता है वो देखा मैंने आप इतने घुमाते उसको हाँ अच्छा आपने देखा वो पहले भी जानते हैं यहाँ सारी शैबू तो हमसे भी ज्यादा फेमस है यार बाथरूम चप्पल कैसे में लेनी है दीदी अच्छी भी लगेगी ये अच्छी लगेगी इतनी हमने महंगी चप्पलें ली हैं उसके लिए बैग लेना पड़ा स्पेशल बैग लेना पड़ा है चप्पलों के लिए तो भाई कंघी जुतियां चप्पल सब कुछ उठा के हम जा रहे हैं घर आज बड़े दिनों बाद मिली है ना चप्पलें वो भी अपन दुकान के अंदर जाके ढूंढ के लेके आए हैं बाहर लगाने नहीं देते क्या पहले बाहर लगा रखा होता था वो शोपीस वाली चप्पलें ढूंढ रहे थे ना जैसे चारों तरफ ऐसे घूम घूम के देखते हैं हम हाँ वो नहीं थी वहाँ पे पर मिल तो गई अब देख रहा था क्या देखे इसमें क्या ही देखो वैसे ही देख रहा था क्या है आपको पता आज एक मेरे साथ आज इन्होंने ये जो कैमरा लेके खड़ी है ना फोन लेके इसने आज मेरे साथ एक प्रैंक किया इसने ना एक बड़ा सारा वो पेपर गाया वो गाड़ी में रह गया नहीं लेके एक बड़ा सारा पेपर लिया उस पे लिखिया सॉरी फॉर डेंट और वो गाड़ी के पीछे लगा दिया और मैं गई मैंने ना अरे मैं सोची फोन ऐसे करके जा रही है पीछे लेके जा रही फोन ऑन करके वीडियो बनाते हुए जब हम शाम को मार्केट जाके आए तो ना मैं गई जैसे ही वहां पे देखा मैंने बोला ये कौन ले गया सॉरी फॉर डेंट और मैं पूरी गाड़ी चेक कर रही हूँ ऐसे मेरी घबराहट सी होने लगी हो ही सकता था मैं इसको पहले बोल रही हूँ गाड़ी के मामले में मेरे को हार्ट अटैक मैं कसम से उस टाइम ना मेरे को कैसा सा फील हुआ मैं पहले तो माइंड में आया एकदम क्लिक किया भी दीपक ने वो मेरी गाड़ी पे वो एक दो बार वो लग गया है ना स्क्रैच तो मैं उसको गाड़ी नहीं देती हूँ मैं अब उसको सोती हूँ उसको गाड़ी नहीं देती इसी चक्कर में तो तब करके मेरे को लगा कि उसने लिखा फिर बाद में स्वाति ने क्या किया इसने एक गलती कर दी इसने जो बनाया ना वो एक स्माइली बनाई है उसपे एक मुंह सा जो होते है वो बिल्ले से वो बनाया वो इसने बना दिया वकील वाला अरे एक राइटिंग मैंने राइटिंग निशान में आ गई मैंने गाड़ी तो चेक करवा दी पूरा राउंड लिया इन्होंने गाड़ी का प्रॉपर देख लो दीदी इधर देख लो ऐसे ऐसे करे मैं सोच सच में डेंट है फिर दिख नहीं रहा ऐसे करे ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कोई कर बाद में मैंने बोला ये काम ही तेरे है तू नहीं है ये राइटिंग वो गलती पता कैसे पकड़ी गई उससे आगे वाले में ना वो मेरे रोल नंबर्स मेंशन किए हुए थे इसने क्या कि जो शीट थी ना व्हाइट शीट उसकी बैक साइड पे इसके ऑफिस का काम कुछ वहां वगैरह इसमें और फिर मैंने राइटिंग देखी मैंने बोला ये तेरे ही काम है आज पर एक बार तो आप सीरियस हो गए थे ना कि यार गाड़ी डेंट को लेकर तो मैं बहुत मेरी गाड़ी के ऊपर ये देख रहा ये देख रहा नहीं पोपट होते होते बच गया मेरे को दीदी ने ना पहचान लिया राइटिंग पहचान में आ गई मेरे को लास्ट की बात है ना पहले तो हाँ एक बार तो मेरा रंग सा उड़ गया था जब लिखा हुआ ना सॉरी फॉर डेंट मैंने गलत कर दिया किसी ने कांड सॉरी लिख के चला गया भाई उड़ के कौन सा निकला रंग तेरा वही काली हो गया गोरे हो रखे हो पहले से बहुत ज्यादा और क्या इतना बड़ा डेंट पड़ गया आड़ी में उससे बोलते नाम भी लिख दिए नाम भी लिख जाता अपना नाम कैसे लिख जाता तो गाड़ी में मारा और डेंट मेरे मारे का होगा कोई नहीं पता डेंट क्या गाड़ी में मारा बेटा वो गाड़ी है ना गाड़ी के साथ एक पिलर है हाँ। बड़ा सा वो पिलर के डेंट उसके अंदर मार के वो गाड़ी वाले देखा पता नहीं लगा किसने मारा क्या डेंट
कि पता है कि अब क्या पता इसके ऊपर उसने नाम थोड़ी लिखा, उसने ये 15 साल लिख के लगा दिया गाड़ी के पीछे सॉरी फॉर डेंट। ये स्माइली और इतना टाइम था उसके बाद एक काम करिए डेंट मारने के बाद भी तो एक काम कर सुबह सुने मलता उसकी तो सुनो मैंने मलता डेंट मारने के बाद भी उसके पास इतना टाइम था कि उसने ये स्माइली भी बनाई। एग्जैक्टली मैंने सोचा स्माइली क्यों बनाई है। एक काम करिए नको हाँ ना इस ऐसा बंदा देखे सोसाइटी में कौन ऐसा बंदा कौन है ये रही पीछे वकील साहब इसने मेरे साथ प्रैंक किया है इसने प्रैंक किया मेरे साथ स्वाति ने क्या पता दीदी सच्ची मार दी और सच्ची मार दी डेंट प्रैंक किया डेंट मैं खुद कैसे मारूंगी सिर बनाऊंगा क्या बोल रही बोलती दीदी मैं तो वो करने वाली थी पहले मैं मार्कर लेके आई थी फोन लगा के और वो बनाने वाली थी फिर मैंने सोचा कहीं बाद में बोलती मार्कर का अगर उतरा ना गाड़ी में से बोलती फिर मेरे डंडे पड़ जाएंगे। नहीं मैं गई तो यही सोच रही थी मैं कहा थोड़ा मेरा निशान निशान बनाऊंगी उस पे और पसीना पसीना हुई। मैंने इससे पूछा जब ये ऑफिस से आई मैंने बोला आई तो तू मतलब कैब भूप भी आई होगी ऑब्वियसली इतना गर्मी तेरे कैसे और की है ये आते हुए पहले नीचे बेसमेंट में गई जब भी हुई फुल गर्मी में देखा नहीं 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 एक थे एक अंकल आंटी थे वो देख रहे थे कहते लग तो सही सी रही है पर हरकतें क्या हरकतें क्या कर रही है ये क्या बोल रहे हो। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10 और क्या है रात के बज गए हैं 10:30 का टाइम हो गया आज बहुत सारा वर्कआउट किया आज के व्लॉग को करते हैं यही खत्म। चैनल को सब्सक्राइब किया करो और जब भी वीडियोस देखते हो लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूला करो। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए गुड नाइट बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल।